स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। हम हर बार सुनते हैं कि हमारा इतिहास बहुत रोमांचक और पुराना है, लेकिन हमें हमारे देश और दुनिया के इतिहास की पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको पूरे देश और दुनिया के इतिहास की और आज के इतिहास की जानकारी मिल सके, ताकि आपका ज्ञान और बढ़ सके। तो चलिए जानते हैं 28 मई के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन लोगों के जन्मदिन के बारे में जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत बड़ा नाम किया, साथ ही उन मशहूर लोगों के बारे में जो इस दुनिया से चले गए। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे दो ऐसे अमेरिकी बंदरों के बारे में जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास रचा था। जी हाँ, दरअसल आज ही के दिन 1959 में दो अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। ₹1950 से 1960 के दौर में अमेरिका की नासा और सोवियत संघ की रोसकॉस्मोस के बीच स्पेस में सबसे पहले पहुंचने की जंग छिड़ी थी। इसी रेस को जीतने के लिए नासा ने 1948 से टेस्टिंग के तौर पर बंदरों को स्पेस में भेजना शुरू कर दिया था। स्पेस की दुनिया में अपने इस प्रतिद्वंदी रोसकॉस्मोस से आगे रहने के लिए नासा ने 1948 में ही बंदर को स्पेस में भेजना शुरू किया। 1958 में अमेरिका के गोर्डो नाम के बंदर को अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। साल भर बाद 1959 में मिस बेकर और एबल नाम के बंदरों को भेजा गया और दोनों सुरक्षित वापस आ गए। नासा को पहली सफलता आज ही के दिन 28 मई 1959 को मिली थी, जब मिस बेकर स्पेस से सही सलामत लौटे थे। स्पेस से लौटने के बाद मिस बेकर के साथ भेजे गए एक और बंदर मिस एबल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई, लेकिन मिस बेकर इस घटना के 15 साल बाद 1984 तक जिंदा रही। इसके बाद सैम भाग्यशाली रहा कि उस पर मिस बेकर और एबल की तरह भारहीनता के प्रयोग नहीं किए गए। सैम नाम के बंदर के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा रखने वाले कैप्सूल का टेस्ट हुआ। सैम इस टेस्ट में कामयाब रहा। एबल और मिस बेकर पृथ्वी की कक्षा से जिंदा वापस लौटने वाले पहले बंदर थे। 500 किलोमीटर ऊपर भारहीनता ने बंदरों की हालत खस्ता कर दी थी। लैंडिंग के कुछ ही देर बाद एबल की मौत हो गई। मिस बेकर 1984 में 27 साल की पूरी उम्र करके विदा हुई। बता दें कि 1947 में सोवियत संघ ने पहली बार जीव को अंतरिक्ष में भेजा, वह एक मक्खी थी। वहीं 10 साल बाद 1957 में सोवियत संघ ने एक डॉग लाइका को अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन रॉकेट लॉन्च होने के कुछ घंटों बाद लाइका मर गई। लाइका की मौत के बावजूद सोवियत संघ ने कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजना जारी रखा। धीरे धीरे रॉकेटों को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाने लगा। 1960 में स्टेलका और बेलका नाम के कुत्तों को अंतरिक्ष में वापस भेजा गया और दोनों सुरक्षित वापस लौटे। कुत्तों और बंदरों के बाद इंसान के बेहद करीब माने जाने वाले चिंपैंजी की अंतरिक्ष यात्रा का नंबर आया। 1961 में अमेरिका ने हैम नाम के चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा। उसने 6 मिनट तक भारहीनता का सामना किया और वह जिंदा वापस लौटा। उसके शरीर का अध्ययन कर भारहीनता में शरीर कैसे काम करता है यह समझने में मदद मिली। हैम ने 9500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले रॉकेट में लगभग 16 मिनट गुजारे थे। हैम स्पेस से सकुशल वापस भारत लौटा था। कुत्तों, बंदरों और चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजने के बाद इंसान भी अंतरिक्ष में गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अब दूसरे जीवों को अंतरिक्ष में भेजने का काम बंद हो गया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 2007 में टार्किग्रेड नाम के सूक्ष्म जीवों को अंतरिक्ष में भेजा और वे 12 दिन जीवित रहे। उनकी मदद से पता किया जाता है कि निर्वात और सौर विकिरण जीवन कैसा असर डालता है। अमेरिकी बंदरों के बाद अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में मनाए जाने वाले यौम ए तकबीर के बारे में। आज ही के दिन 1998 को पाकिस्तान में भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। तो चलिए जानते हैं इस दिन के बारे में।
चागई एक, या 28 मई 1998 को पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक साथ भूमिगत परमाणु परीक्षण का संकेत नाम है। बलूचिस्तान प्रांत के चागाई जिले में रसकोड़ पहाड़ी पर ये परीक्षण किए गए। चागाई एक पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का पहला सार्वजनिक परीक्षण था। इसकी समयावधि 11 से 13 मई 1998 को भारत के दूसरे परमाणु परीक्षणों पोखरण 2 की सीधी प्रतिक्रिया थी। पाकिस्तान और भारत द्वारा इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1972 का स्वीकार हुआ और दोनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु उपकरणों का परीक्षण करके पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाला 7वां राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान का दूसरा परमाणु परीक्षण चगाई 2 30 मई 1998 को हुआ। 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं और व्यक्तित्वों ने पाकिस्तान को धीरे धीरे परमाणु हथियार विकास के एक कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जो 1972 में शुरू हुआ। 1974 में परमाणु हथियारों के परीक्षण की योजनाएं शुरू हुई। 1905 में बेनजीर भुट्टो ने बताया कि पाकिस्तान के पास परमाणु उपकरण इससे पहले भी हो सकते थे और उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो ने बताया कि 1977 में परमाणु परीक्षण की तैयारी की गई थी, उसे परमाणु परीक्षण की उम्मीद थी। हालांकि योजना को दिसंबर 1977 में स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया से बचने के लिए इसे अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया था। सुरक्षा के लिए एक दूर स्थित और पृथक पहाड़ी क्षेत्र की आवश्यकता थी। पाकिस्तान के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक पहाड़ का चयन करने के लिए परीक्षण किए जो अंदर से 2040 किलोटन विस्फोटक को बर्दाश्त करने में सक्षम हो। परमाणु द्रव्य बाहर कम फैले इसके लिए शुष्क मौसम और बहुत कम हवा की जरूरत थी, इसलिए रसकोह पहाड़ी का चयन हुआ। पाकिस्तान परमाणु आयोग ने 28 मई 1998 की दोपहर 3:15 पर चागाई परीक्षण स्थल पर 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान में परमाणु विस्फोटकों की खबर सुनते ही सड़कों पर हर्ष और समारोह फैल गया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सरकार के राष्ट्रीय चैनल पाकिस्तान टेलीविजन के माध्यम से देश को संबोधित किया और पूरे देश को बधाई दी। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, इराक और कई अन्य देशों ने चागाई परीक्षणों की निंदा की। दूसरी ओर सऊदी अरब, तुर्की और ईरान ने पाकिस्तान को बधाई दी। पाकिस्तान में 28 मई यानी आज ही के दिन यौमे तकबीर यानी महानता का दिन मनाया जाता है। तो अभी आपने जाना यौमे तकबीर के बारे में, अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में जिनका जन्म आज के दिन ही हुआ। तो चलिए जानते हैं वीर सावरकर के बारे में कुछ रोचक बातें। वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। इनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश है। वे एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक और साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। उनका जीवन बहुआयामी था। वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। वहीं उनकी माता का नाम राधाबाई था। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आजादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी।
जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1905 में बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ाई करने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। तिलक की अनुशंसा पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे, जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे। वे रूसी क्रांतिकारियों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लंदन में वे इंडिया हाउस की देखभाल करते थे। मदन लाल धींगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। उन्होंने धींगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल की जेल भोगी। जेल में हिंदुत्व पर उन्होंने शोध ग्रंथ लिखा। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 के बाद वे दादर मुंबई में रहे। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आजादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नजरिया अलग अलग था। दुनिया के वे पहले एक कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। 26 फरवरी 1966 को भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज को प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए बीता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी व प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वीर सावरकर के बाद अब हम बात करेंगे जेम्स बॉन्ड श्रृंखला के लेखक इयान फ्लेमिंग के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन 1908 को हुआ। तो चलिए जानते हैं इयान के बारे में कुछ खास बातें। इयान लंकास्टर फ्लेमिंग एक अंग्रेजी लेखक, पत्रकार और नौसेना के खुफिया अधिकारी थे, जो जासूस उपन्यासों के जेम्स बॉन्ड श्रृंखला के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे और उनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1960 को हुआ था। फ्लेमिंग व्यापारी बैंक रॉबर्ट फ्लेमिंग एंड कंपनी से जुड़े एक अमीर परिवार से आए थे। उन्हें ईटन संथस्ट और विश्वविद्यालयों में शिक्षित किया गया था। फ्लेमिंग ने 1952 में अपना पहला बॉन्ड उपन्यास कैसीनो रोयालो लिखा था। यह एक सफलता थी जिसमें 3 प्रिंट रनों को मांग से निपटने के लिए कमीशन किया गया था। 1953 और 1966 के बीच 11 बॉन्ड उपन्यासों और लघु कथाओं के 2 संग्रहों का पालन किया गया। उपन्यास जेम्स बॉन्ड के आसपास घूमते हुए गुप्त खुफिया सेवा के एक अधिकारी थे, जिसे आमतौर पर MI6 के नाम से जाना जाता था। बॉन्ड को उनके कोड नंबर 007 द्वारा भी जाना जाता है और रॉयल नेवल रिजर्व में कमांडर भी थे। बॉन्ड कहानियां दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचने के दौरान हर समय पर काल्पनिक किताबों की सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली श्रृंखलाओं के बीच रैंक करती है। फ्लेमिंग ने बच्चों की कहानी चित चित बैंग बैंग और गैर कथाओं के 2 काम भी लिखे। 2008 में द टाइम्स ने 1945 के बाद से 50 महान ब्रिटिश लेखकों की सूची में फ्लेमिंग को 14वां स्थान दिया। युद्ध के दौरान फ्लेमिंग ने जासूसी के इंस और बहिष्कार को सीखा।
उन्हें रॉयल नेवी में कमीशन मिला और ब्रिटिश नौसेना के खुफिया एजेंसी के लिए उन्होंने काम किया। आखिरकार नौसेना के खुफिया महानिदेशक एडमिरल जॉन के सहायक के रूप में कार्यरत हुए और फ्लेमिंग युद्ध जीतने के लिए ब्रिटेन के अधिकांश प्रयासों के लिए गोपनीय थे। उन्होंने खुफिया परिचालनों का समन्वय करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्राओं सहित कई बार विदेश यात्राएं भी की। वह एक सम्मेलन के लिए जमैका गए और द्वीप ने फ्लेमिंग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि फ्लेमिंग के काम में खुफिया जानकारी ने अपने जेम्स बॉन्ड के उपन्यासों को आकार दिया और माना जाता है कि एम बॉन्ड के मालिक का चरित्र एडमिरल के बाद मॉडलिंग किया गया था। फ्लेमिंग के वास्तविक जीवन जासूसी कार्यों का पूरा प्रभाव उनके सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक आंकड़े पर भी कभी ज्ञात नहीं होगा। उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा गुप्तता के लिए शपथ दिलाई गई थी। फ्लेमिंग अपने व्यस्क जीवन भर के भारी धूम्रपान करने वाले और पीने वाले व्यक्ति थे और वे हृदय रोग से भी पीड़ित थे। 1961 में 53 वर्ष की आयु में उन्हें दिल के दौरे का सामना करना पड़ा और वह पुनः व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 11 अगस्त 1964 को कैंटरबरी में एक होटल में रहने के दौरान फ्लेमिंग दोपहर के भोजन के लिए रॉयल सेंट जॉर्ज गोल्फ क्लब गए और बाद में दोस्तों के साथ अपने होटल में उन्होंने भोजन किया। दिन उनके लिए थका देने वाला था और भोजन के तुरंत बाद एक और दिल का दौरा पड़ने से उनका पतन हो गया। फ्लेमिंग की मौत 12 अगस्त 1964 की सुबह 56 वर्ष की उम्र में हुई। तो आज हमने आज की तारीख के इतिहास के बारे में जाना। ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।